अच्छा भाई, आज मेरी अम्मी जो है ना मज़ेदार से पाए बना रही है, मटन पाए। एंड मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ, मटन पाए जो है ना हमारे घर की सबसे स्पेशलिटी है मेरी अम्मी के हाथ की। एंड समझे कि ईद पे जो है ना वो इतने समझे कि हर ईद पे बन रहे होते हैं। एंड ऑन एंड ऑफ क्या गर्मी हो सर्दी हो तो ऑफ सीजन सीजन में भी पाए खाए जाते हैं। शौक से खाए जाते हैं, है ना। तो ये है कि आपकी भी फेवरेट है। बिल्कुल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पाए बनाएंगे आज हम, और इसमें सबसे पहले ऑयल जाएगा। अच्छा, मैं सबसे पहले हम इसमें प्याज पिसी हुई या मैं कैरमलाइज कर दी। हाँ, मैंने थोड़ा सा किया क्योंकि हमने थोड़ा बॉईल किया हुआ है ना इनको, पायों को। तो अब ये कि इसमें हम सबसे पहले प्याज जाएगी और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टेयर करेंगे उसे। पाए को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाए हैं, मटन के जो पाए होते हैं वो समझें कि एक दर्जन पाए हैं। एंड उसको बॉईल कर लिए, ओवरनाइट आप बॉईल कर लें अच्छे तरीके से। एंड उसकी जो यखनी है ना, जो जान है उसकी, स्टॉक जो है वो आपने उसको रख लेना है। पानी ऑब्वियसली एडिशनल आप डालेंगे उसके अंदर, लेकिन जो यखनी है वही उसकी जान है ना। हाँ, क्योंकि हमने इसी को बॉईल इसके अंदर किया और जो स्टॉक है ये स्टॉक ही इसमें जाएगा। सही, वरना अगर पानी डालेंगे ज़्यादा तो फिर वो फ्लेवर जो है ना उसका ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे पाए। अच्छा, पाए डाल देंगे, मैं हेल्प कर दूँगा क्योंकि ये पाए जाएंगे। अच्छा मियाँ, आप बताएं अपने बारे में कुछ के ये जो डिशेज हैं भैया, आपने भी तो ऑब्वियसली सीखी जी है। मैंने अपनी मदर से सीखी है ये। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा हिलाना है ताकि ताकि वो नहीं, थोड़ा सा जो प्याज हमने डाली ना वो मिक्स हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद हमारे पास गरम मसाला है, ये बड़ी इलायची 3 अदद और दालचीनी और 1 लौंग और सब्जी इलायची, ये हम सब पूरा गरम मसाला। ये आप आपकी मर्जी है कि आप इसमें बीफ पाय डालें या मटन पाय डालें, जो आपकी मर्जी है, मगर रेसिपी यही होगी। टोमेटो पेस्ट कितने? 1, 2 and 3। अच्छा, टोटल मेजर हुआ है। हाँ जी, ये 3। अभी हम हल्दी डालेंगे इसमें, 1/2 teaspoon या 1 teaspoon, ये आपके अपने ऊपर। अच्छा, हाफ और एक दर्जन के अंदर। हाँ, पाए के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद आप डालेंगे धनिया पाउडर, 1 tablespoon और 1 tablespoon सुर्ख पीसी हुई मिर्च। सुर्ख पीसी हुई मिर्च, हाँ जी, उसमें नहीं, पाए का अपना भी नमक होता है। अच्छा, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दीजिए इसमें। सही, 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 सही। अब तो जो से आपका हर किसी का अपना अपना था, कोई ज्यादा नमक खाता है, कोई कम खाता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से भाई, अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरीके का आपको सही लगे तो आप ऐड कर लें। अब ये हमारे हो गई पाए की भुनाई हो गई हमारी अभी इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टॉक जो हमने बॉईल किया था इसको, अभी हम ये पाए का स्टॉक इसमें डालेंगे। सही, और ये फिर दम पे पकेगा। अच्छा, वैसे स्टॉक जो है, थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताएं ना, क्योंकि बॉईल तो कर लिया है, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो स्टॉक है आपने बनाया कैसे, ये तो बताएं ना आप, किस तरीके से आपने बनाया ये। सबसे पहले पाए धो लें आप अच्छी तरह से, उसके बाद पाए को किसी भी बड़े पतीले के अंदर, बड़े पैन में आप पाए रखें, उसमें पानी डालें, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालें आप, और उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दें। तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आप उसको निकाल लें। और अगर आपने बॉईल नहीं करने और वैसे ही उसी वे में पकाना है, तो आप इसको फिर भूनने के बाद पानी लगा के, और पानी इतना लगाएं कि ये पाए इसमें डूब जाए। इसी तरीके से सिंपल वे में बनाते हैं, लेकिन हमारा बनाने का ये होता है, रात को हम बनाते हैं इसको, फिर दम पे रख देते हैं, पूरी रात ये पाए पकते हैं हमारे, और पूरी रात पकने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग रेडी होते हैं, फिर नान के साथ, कुलचे के साथ, आप किसी की हम तो वैसे बड़े प्याले में, बड़ा प्याला होता है, कश्मीरी प्याले होते हैं, उसके अंदर पाए होते हैं और साथ उसके साथ नान होते हैं, कुलचा फुल तोड़ के डाल के, फिर जब तक उंगलियां गंदी ना हो ना फुल। और पाए का ये है कि जब तक हाथ आपके ना चिपके तो पाए का मजा नहीं है, कि उससे ही पाए नहीं बनते, जब तक इतना होना चाहिए इसमें।
तो बस ये देखें जो पाए हैं ना वो जितने समझे चिपचिपे हो जी बिल्कुल हाथ आपके चिप स्टिकी स्टिकी से हो जाए। अच्छा वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसको बोलते हैं ना कि इसको तमीज़ से नहीं खाया जाता, वैसे वो चीज़ें समझे जैसे पाए हो गए निहारी हो गई, ये जितना आप इसमें डिग इन होके खाएंगे ना उतना ही ज़्यादा समझे मज़ा आता है। अच्छा जी तो सारी चीज़ें हो गई, बस अभी ये गार्निशिंग है। नहीं ये गार्निशिंग है और ये देखिए आप ऑलमोस्ट। अच्छा इसमें ये है कि आप इसमें नमक, कोई लोग नमक मिर्च कम खाते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसमें कम ऐड करें, कोई तेज़ मसाले खाते हैं तो वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिसको कम चाहिए वो कम आप उसमें डाल वही अपने हिसाब से क्योंकि हर घर के मसाले और वो सारी चीज़ें अपनी होती हैं। कोई लोग तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं, जैसे हम नहीं खाते इतना तेज़, तो हम लोग बिल्कुल बैलेंस में रख के खाते हैं। तो आप सही है, इंशाल्लाह आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगे और आप फीडबैक हमें ज़रूर देंगे कि पाए आपने ट्राई किए कि नहीं किए, ट्राई करें तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। बस मैंने भी यही सोचा कि देखें ऐसी जो डिश है ना एंड क्योंकि कुछ डिशेस जो होती है ना वो आपको पता है कि जो बंदा जो घर में बनाता है उसी को अच्छा ना बुला के मैं आप लोगों के सामने बता दूँ कि ये बनती है, मेरा अपना अलग स्टाइल हो जाएगा, कुछ चीज़ मिस ना हो, क्योंकि माँ के हाथ जो तब तक ना लगे हो ना खाने में तब तक सीधी बात है मज़ा नहीं आता। मदर स्पेशल समझे कि आज की एपिसोड है एंड मेरी अम्मी मेरे साथ हैं मेरे सेट पर फ्यूजन फूड के मज़ेदार से मटन पाए जो हैं, अम्मी ने इनको फुल भून करना घर के मसाले जो होते हैं एंड अम्मी दिखाएं खोल के थोड़ा। हाँ ये आप देख सकते हैं सारा स्टॉक आपने सारी चीज़ें इसमें बॉयल करके पहले से लेकर आई थी ताकि पता है शो का टाइम शॉर्ट होता है तो उसमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, बस ये समझे आपने मिक्स करके अब इसको स्टॉक में ना आपने क्या करना है उसको दम देना है? जी बस सिर्फ इनको 10-15 मिनट दम देना और कुछ नहीं करना, टाइम की कमी की वजह से हमने ये किया वरना घर पे तो हम मसाला वगैरह भून के पाए डाल के पानी इतना डाल के कि वो डूब जाए उसके बाद फिर हम इसको दम लगा देते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे फिर उसके बाद तैयार हो जाते हैं। मटन पाया अज्जा उबले बकरे के पाए 6 अदद पिसी प्याज 1 अदद टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे नमक हसबे जायका पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा पिसा धनिया 1 खाने का चमचा दालचीनी 2 से 3 टुकड़े पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा।